मातृभाषी केंद्रीय महिला मंडल के बैनर तले मातृभाषी सभागार में चल रहा दो दिवसीय हरियाली तीज उत्सव मंगलवार को समाप्त हो गया। तीज उत्सव में महिलाओं ने तीज क्वीन प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। मातृभाषी केंद्रीय महिला मंडल के बैनर तले मातृभाषी सभागार में चल रहा दो दिवसीय हरियाली तीज उत्सव मंगलवार को समाप्त हो गया। तीज उत्सव में महिलाओं में तीज क्वीन प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। इसमें महिलाओं ने रैंप पर हरे परिधानों में सोलर श्रृंगार में जमकर कैटवॉक किया। मातृभाषी केंद्रीय महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपिका डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने बताया कि हरियाली तीज उत्सव में पर्यावरण रक्षा के लिए कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। साथ ही तीज उत्सव में महिलाओं के मनोरंजन के लिए कई कार्यक्रम हुए। बहनों का उत्सुकता देखते बन रही है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हरियाली की उन प्रतियोगिता के साथ साथ जो बच्चियों का भी आगमन हो रहा है, क्योंकि बच्चे समाज से जुड़ना चाहती हैं। जो हमने मुहिम लगाई हुई है, तो मैं भी उन सब बेटियों को भी आमंत्रित करती हूँ कि वो समाज से जुड़ें, और बच्चों के लिए विशेष एक पुरस्कार भी हमने रखा हुआ है। तो और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर ये किस प्रकार से जो उत्सव मनाया जाता है, इसमें पर्यावरण संरक्षण का बहुत ध्यान रखा जाता है। आप देख ही रही हैं कि स्टॉल लगे हुए हैं और जिसमें हमारे पंचगव्य से जो गौ के जो उत्पादन बनाए जाते हैं उसका लगा है। लघु कुटीरी उद्योग का विशेष ध्यान रखा जाता है। मां 16वां हरियाली तीज मनाया जा रहा है। इसी तरह से हर साल हम लोग बहुत भव्यता के साथ मनाते हैं। इसमें ग्रीन क्वीन प्रतियोगिता भी करते हैं, बच्चों के पार्टिसिपेट भी करते हैं, ड्राइंग प्रतियोगिता होती है और केस सज्जा प्रतियोगिता होती है, फ्लावर पॉट सज्जा होती है। तीज उत्सव में गौ गव्य से बने घरेलू हर्बल उत्पाद और इको फ्रेंडली गोबर से बनी राखियां महिलाओं ने खासा पसंद की और उन्हें हाथों हाथ खरीद लिया। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।